नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, फ्री जो इनिशिएटिव की पीडीएफ आपको सिर्फ पेड ग्रुप में मिल सकती है। हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है फ्री इनिशिएटिव के साथ साथ। वीडियो हमारे फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे हमेशा। लेकिन इसके साथ साथ हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है जहां पे आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, कंप्लीट आपको आंसर राइटिंग जो है करवाई जाएगी, कंप्लीट फीडबैक दिया जाएगा कैसे क्वेश्चन को समझना है, किस तरह के क्वेश्चन में क्या आंसर लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज बताएंगे आपके साथ हमारे एक्सपर्ट, और कंप्लीट आपको पर्सनल गाइडेंस भी दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए 8564880530 या 9696066089 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं 7838692618 पे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीपीएससी 66वीं मुख्य परीक्षा के लिए कुछ मॉडल क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम शुरू करें, हम आपको बता देना चाहते हैं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीटीपीएससी, ईपीएफओ के लिए शानदार और जानदार कोर्स चला रहा है, जिसके लिए हम प्रीलिम्स, मेंस, आंसर राइटिंग के ऑप्शनल्स, उनके टेस्ट सीरीज, एवोल्यूशन हमारी अनुभवी टीम द्वारा कराई जा रही है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मुख्य वीडियो। इस प्रमुख वीडियो में हमने चार सेक्टर से क्वेश्चन लिए गए हैं, जहाँ पर एक मॉडर्न इंडिया से हमने क्वेश्चन लिया है कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय, एग्रीकल्चर से कृषि संबंधित क्वेश्चन से लिया गया है, फार्म प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं किसान उत्पादन संघ और संगठन FPOs, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस से लिया गया है, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो राज्य चुनाव आयोग के बारे में चर्चा की गई है, और करेंट अफेयर्स से लिए गए हैं विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं एक एक करके इन एक एक प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि एग्जामिन द राइज ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय का परीक्षण करें। तो भारत जो इंडियन नेशनलिज्म है वो अब मुख्यतः देखेंगे कि 19वीं शताब्दी के मध्य से शुरू होता है 1857 के बाद, जो कि बहुत से अलग अलग फैक्टर्स, अलग अलग कारक जो हैं इसका कारण बनते हैं और एक मिलकर एक भारतीय राष्ट्रवाद को उदय देते हैं। और इंडियन नेशनलिज्म वाज द रिस्पांस टू द स्टिमुलस जनरेटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश सरकार द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों पर भारतीय प्रतिक्रिया थी, यानी कि इट वाज एन इंडियन स्टिमुलस रिस्पांस टू द जो स्टिमुलस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्रिएट किया उसका ही रिस्पॉन्स था। एग्जिस्टेंस ऑफ मैनी फैक्टर्स और अलग अलग बहुत से कारणों में, जिसमें एक सामाजिक सुधार भी हुए, प्रेस का डेवलपमेंट हुआ, नॉलेज का डेवलपमेंट हुआ, एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ, हमारा ग्लोरियस पास्ट की डिस्कवरी हुई, अलग अलग लेखक आए, उन्होंने बताया हमारे इतिहास के बारे में, जो हमारे जो आर्थिक और मानसिक रूप से शोषण हो रहा था उसके उजागर हुए, और फिर हमने लड़ना शुरू किया। और जब लड़ने के लिए जब हम एकत्र हुए किसी एक औपनिवेशिक शक्तियों से लड़ने के लिए जब हम एकत्र हुए, तो उस एकत्र की भावना ने आगे चलकर राष्ट्रवाद नेशनलिज्म का स्वरूप लिया, जिसने और हमारी एकत्रता को सुदृढ़ बनाया और हमने ब्रिटिश उपनिवेशिक ताकत को उखाड़ कर फेंक दिया। जनरेटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्रिएशन ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज, बहुत से अलग अलग अवसर संसाधन की क्रिएशन की वजह से राष्ट्रवाद का उदय होता है। और इंडियन नेशनलिज्म को अगर हम मुख्य रूप से कहें तो ग्रीव पार्टली एज अ रिजल्ट ऑफ कॉलोनी, यानी कि कुछ आंशिक रूप से वो उपनिवेशिक नीतियों के कारण जन्म लेता है और कुछ उसके रिएक्शन में जन्म लेता है, यानी कि जो उपनिवेशिक पॉलिसियां हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द कॉलोनियल पावर्स वेर पार्टली रिस्पॉन्सिबल एज वेल एज पार्टली गिविंग द रिजल्ट टू द रिएक्शन एज वेल एज डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। यानी भारत में राष्ट्रवाद के उदय के या एक तो वो कारक भी थे, दूसरे उसके कारण की वजह से जो उसका रिएक्शन, उसकी प्रतिक्रिया भी थी। तो भारतीय प्रतिक्रिया उपनिवेशिक पॉलिसी के तहत और भारतीय राष्ट्रवादी उपनिवेशिक पॉलिसी के बनने की वजह से, दोनों को हम कह सकते हैं। सो इंडियन नेशनलिज्म वॉज पार्टली ग्रीव एज अ रिजल्ट ऑफ कॉलोनियल पॉलिसी एंड पार्टली ड्यू टू द रिएक्शन टू इट। सम इनहेरेंट कॉजेस को देख लेते हैं कि जो है मुख्य कारण क्या क्या थे। तो कुछ कारण थे जो इनहेरेंट थे यानी कि पहले से थे, और कुछ कारण जो है वो बाद में आए। उनमें से ग्लोबल अपसर्ज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म, उस समय में आप देखेंगे कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में सारे दुनिया में नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट जिसको मैकवेली ने दिया था
वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं प्रचार और प्रसार उसका हो रहा था और भारत में भी होना उसका लाजमी था। मुख्यतः अमेरिकन रेवोल्यूशन जो 1775 में होता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो 1779 में होता है, उससे प्रेरणा लेकर भारतीय राष्ट्रवाद, खासकर की जो भारत माता का जो कॉन्सेप्ट है जो हमने फ्रांस और जर्मनी से लिया है, जो फादरलैंड पितृलैंड जो सावरकर की किताब में, जो लैंड जो हिंदू हिंदुत्व की जो किताब है इसमें हिंदुत्व में फादरलैंड पैतृक भूमि का कॉन्सेप्ट लिया गया है, उसे भी कहीं ना कहीं फ्रेंच क्रांति की फ्रांसीसी क्रांति में जो फादरलैंड के कॉन्सेप्ट से जोड़कर देखा जाता है। अलग अलग समाज सुधार हुए जिसमें राजा राम मोहन राय हों, ईश्वरचंद्र विद्यासागर हों, स्वामी दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज की स्थापना करते हैं, एम जी रानड़े हों, भारतीय पुनर्जागरण और शोषण की ब्रिटिश नीतियों की कड़ी प्रतिक्रिया के रूप में जो कुछ आंतरूनिक कारण थे जिसकी वजह से भारत में राष्ट्रवाद का उदय होता है। ब्रिटिश पॉलिसीज कुछ कुछ होती थी और कुछ कारण थे जो हमारे आंतरिक कारण थे और कुछ ब्रिटिश नीतियों की वजह से हुए, और वो थे पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत जो है 1707 के बाद पहली बार किसी एक शक्ति के एक छत्र राज में एक सिंगल तलवार की छाया में पहली बार वो एकत्र हुआ था, प्रशासनिक तरीके से भी, राजनैतिक तरीके से भी और आर्थिक तरीके से भी। यानी कि एक जगह की आर्थिक कमियां किसी एक जगह पर, जहां कपास सपोज करें कि चाय अगर आसाम में नहीं उगती थी तो अलग अलग बॉम्बे के व्यापारियों को नुकसान हो जाता था, और इस तरह से आर्थिक रूप से भी हमें एकत्र किया गया। और उसकी सबसे बड़ी एक अलग भूमिका रही अंग्रेज़ी भाषा की भी, खास करके उत्तर और दक्षिण भारत के लोगों को एक साथ मिलना जुलना सिखाया। अंग्रेज़ी भाषा भी एक बहुत बड़ा राष्ट्रवाद के उदय में एक कारक है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वन रीजन, किसी एक क्षेत्र की आर्थिक हित दूसरे क्षेत्र के आर्थिक हितों को प्रभावित कर रहे थे। और भी बहुत सी प्रक्रियाएं हुई, जैसे रेलवे का उत्थान हुआ, लोग एक जगह से दूसरी जगह जो फिजिकल और ज्योग्राफिकल बैरियर्स था वो दूर हो गए, लोग जो हैं अलग अलग क्षेत्र के लोग आपस में मिलने जुलने लगे, कनेक्टिविटी बढ़ गई, संचार बढ़ गया, अंग्रेज़ी भाषा हो गई, डेवलपमेंट ऑफ प्रेस, भारत के इतिहास की खोज जेम्स प्रिंसप द्वारा, अशोक की गुफाओं का खोज मैक्स मुलर द्वारा, आर्यन इन्वेजन थियरी जहाँ ये बताया गया कि यूरोपियंस और भारत के जो पूर्वज हैं पुरखे थे वो आर्यन ही थे और सब के सब स्टेपीज से चल के आए थे, तो वो जो हमारे साथ जो एक रंग भेद नस्लीय भेदभाव होता था कि हम काले लोग जो हैं वो केवल और केवल दास बनने के लिए ही दुनिया में आए हैं और गोरे लोग वाइट सुपरमेसी हमसे सदैव अच्छे रहेंगे, वो हमारे ऊपर रूल करेंगे, तो यह एक सुपरमेसी जो है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं टूट गई और भारतीयों में आत्मसम्मान की भावना जागी जिसने और उनको एकत्र किया और राष्ट्रवाद को और आगे बढ़ाया। और साथ ही साथ हमारे इतिहास की डिस्कवरी हुई कि किस तरह से बड़े बड़े काव्य महाकाव्य वेद पुराण की रचना हम पहले कर चुके हैं, और उससे जो एक आत्मविश्वास खो गया था बीच के वर्षों में, अगर आप देखेंगे मुख्यतः 12वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक जो बीच में एक डार्क फेज रहा जहाँ एजुकेशन का डेवलपमेंट नहीं हुआ बिल्कुल भी, और वहाँ से जो हमने सेल्फ रिस्पेक्ट खो दिया था वो सेल्फ रिस्पेक्ट भारतीयों में फिर आता है, ताकि जब हमारा प्राचीन विशेष करके प्राचीन इतिहास उजागर होता है और वो हमें राष्ट्र निर्माण की प्रकृति में जोड़ता है और राष्ट्रवाद राष्ट्रीयता का फल बीज बोता है जिससे हमको फर्दर एक करता है और हम एक यूनाइटेड अपोजिशन देते हैं ब्रिटिश सरकार को आने वाले समय में, जो कि हमें फिर 1947 में अपना परिणाम फूल दिखाता है। राइज ऑफ मिडिल क्लास, भारतीय जो मध्य वर्ग का राइज होता है क्योंकि अलग अलग रेवेन्यू मॉडल अलग अलग सिस्टम से, जैसे ही कमर्शियलाइजेशन ऑफ लैंड हो गया या रेवेन्यू पॉलिसी हो गई, ठीक है, ज़मीनों का जो है व्यापारीकरण होने लगता है, अलग अलग बिजनेस शुरू होने लगते हैं और एक भारत में एक नया तरह का मध्यम वर्ग का उदय होता है जो पहले के दो अलग अलग दास और मालिक वर्ग से इतर होता है, जो मुख्यतः व्यापारी वर्ग होता है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो ब्रिटिशर्स हमारे साथ करते हैं वो भी कहीं ना कहीं हमें एक करने की भावना में जोड़ता है जिससे हम एक होते हैं और एक यूनाइटेड फ्रंट देते हैं। उसके अलावा कुछ और भी प्रमुख कारण, जैसे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो वर्नाक मातृभाषा में जो कविता जो पेपर छपते थे प्रेस छपती थी उस पर जो रोक लगा दी जाने से जो लोग हैं उसकी आँखें खुल जाती हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमें एक होने नहीं देना चाहते, हमारी भाषाओं हमारी संस्कृति हमारी कला हमारी अर्थव्यवस्था को ये लूटने के लिए आए हैं, जिससे हमें और आगे चलकर एकता की भावना उत्पन्न होती है जो आगे चलकर राष्ट्रवाद का रूप लेती है, जिसमें इल्बर्ट बिल हो या फिर अफगान युद्ध हो, सारी की सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। तो इन कारणों से भारत में राष्ट्रवाद का उदय होता है और मुख्यतः 1885 के आसपास फिर कांग्रेस की स्थापना होती है और फिर एक नई
दिशा मिलती है हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को लड़ने में, स्वाधीनता प्रदान करने में, और इस तरह से हमारी जो है राष्ट्रीयता और राष्ट्रीयता धीरे 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 कर कर और सुदृढ़ होती है, और आज भी हम नेशन बिल्डिंग राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। दूसरा प्रश्न यह है कि व्हाट आर FPOs, ठीक है, तो फार्म प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन है क्या और किस तरह से ये एग्रीकल्चर जो कृषि अर्थव्यवस्था में किस तरह से अपना उपयोग और अपना लाभ कर देने वाले हैं। तो FPO जो होते हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो संघ होता है जो कि किसानों द्वारा गठित किया जाता है, जिससे बेसिकली देखें मुख्य तौर पर तो या तो दूध उत्पादक संघ हो या किसी विशेष फसल के उत्पादक संघ या किसी विशेष ग्राम के किसी विशेष क्षेत्र के एक संगठन को उत्पादक संघ के रूप में मिलाया जाता है। हाल ही में जो मछुआरों का संघ हो या वीबर्स का संघ हो, बुनकरों का संघ हो, ठीक है, हस्तकला वालों का, शिफ्ट कला वालों का, दूध वालों का, इस तरह से जो संघ होता है ताकि उनके कलेक्टिव प्रोड्यूस जो एक साथ जो चीज़ें उगाते हैं उन पर बार्गेनिंग पावर उनके पास अच्छी हो, मूल भोल की शक्तियाँ उनको अधिक मिले और प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो तो अच्छा बिजनेस डील भी मिल सकता है। एन FPO कैन बी अ प्रोड्यूसर कंपनी, जो कंपनी बना रही है वो खुद भी FPO हो सकती है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है जो प्रॉफिट शेयरिंग अमंग द मेंबर्स को अप्लाई करता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ FPO जो है किसान उत्पादक संघ की अवधारणा जो है उत्पादकों विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को निवेश में, क्योंकि बड़े बड़े छोटे छोटे किसान जब मिलकर एक बड़ी संगठन बनाते हैं तो उसको ब्याज मिलना, अन्य चीज़ें मिलना, अन्य रियायतें मिलना, फर्टिलाइज़र हो गया, खाद हो गया, इस तरह की चीज़ें मिलने में आसानी होती है बजाय बनस्पति के कि छोटा छोटा ज़मीन पर, क्योंकि आपको पता है कि हमारे 85% से ज़्यादा किसान के पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है, तो वो छोटे छोटे खेतों में उत्पादकता बहुत कम होती है और टोटल आउटपुट भी कम होता है, तो उससे उनकी बात नहीं सुनी जाती। अगर ये बड़े लोग साथ में मिलकर अगर खेती करें, साथ में मिलकर एक उत्पादक संघ बनाते हैं, तो इसे लोन मिलना, ऋण मिलना भी आसान हो जाता है, इसको और भी सब्सिडीज़ वगैरह मिलती हैं, इनको अनदेखा नहीं किया जा सकता है और वो आगे चलकर लाभकारी होती है, खासकर छोटे और सीमांत किसानों तक जो अपना फसल इन FPOs के माध्यम में डायरेक्ट बेच सकते हैं और सीधे बाजार को पहुँचा सकते हैं। FPO कैन बी रजिस्टर्ड देमसेल्फ, अब वो कंपनीज एक्ट 1956 के तहत एक दूसरे को अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इंश्योर बेटर इनकम, यानी कि एक संगठन के माध्यम से उत्पादकों के लिए बेहतर आय सुनिश्चित करने के लिए इसे रखा गया है। इसका मुख्य काम होता है जो बिचौले की जो लंबी श्रृंखला है उसे दूर करने के लिए, जो कृषि उत्पाद संघ है और जो प्रोड्यूसर बॉडी है, जो डिमांड बॉडी है, डायरेक्ट इस बॉडी से बात करेगी और बीच में इंटरचेंज होगा, तो जो बीच के जो बिचौलिए हैं वो कहीं ना कहीं जो माल खा जाते थे उत्पादक को भी कम मिलता था और जो व्यक्ति यूज़ कर रहा उपभोक्ता है उसको भी ज़्यादा पैसे देने होते थे, और सारा का सारा जो पैसा है वो बीच में कहीं लुप्त हो रहा था, वो कहीं ना कहीं कम होगा, क्योंकि एक पूरा उत्पादक संघ ही आपस में एक बिजनेसमैन बनकर जो व्यक्ति खरीद रहा है उससे डील करेगा, इससे पारदर्शिता भी आएगी और इसका इनकम भी बढ़ेगा, खास करके जो लंबे लॉन्ग ओवर चेन ऑफ इंटरमीडिएट्स है उसको कम करेंगे और इससे ट्रांसपेरेंसी एज वेल एज आधुनिक भुगतान करने पर भी उत्पादक को प्राप्त हो सकेगा, इस तरह से ये फ़ायदा पहुंचा सकता है। और किस तरह से हेल्प कर सकता है, तो क्योंकि जब लोग साथ में मिलकर खेती करेंगे तो उनकी बार्गेनिंग पावर, मूल भाव की शक्ति बढ़ जाएगी, खाद्य प्रसंस्करण में उद्योगों की शक्ति बेहतर होगी, बड़ा उत्पादन और सुनिश्चित होगा, बेटर कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी, ईंधन और अन्य बर्बादी की कमी होगी, एक साथ करेंगे तो चीज़ों की एफिशिएंसी जो कहते हैं कर्तव्य क्षमता कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होगी और जिससे प्रोडक्टिविटी और फिर हाई यील्ड अर्निंग भी हो सकती है। और सरकार ने फिर इसके लिए क्या क्या कदम उठाए हैं, तो सरकार ने 1 District 1 Product Cluster के हिसाब से एक स्कीम चलाई है, 10,000 नए फार्म प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस को बढ़ावा दिया है, खासकर कि इस बजट में भी दिया गया था, इसके पहले वाले बजट में भी दिया गया था। 3 इम्प्लीमेंटिंग, अलग अलग 3 संस्थाओं को FPO बनाने के लिए प्रमोट करने के लिए रखा गया है। स्मॉल एग्रीकल फार्मर बिजनेस, यानी कि SFAC, यानी कि जो छोटे लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ, राष्ट्रीय सहकारी विकास संघ NCDC और नेशनल बैंक फॉर यानी कि NABARD, इन संघों को रखा गया है कि FPO को बनाए, उन्हें कर्ज दे, उन्हें और चीज़ें दें ताकि ग्रामीण स्तर पर जो है कृषि एक लाभकारी व्यवसाय बन सके, और जो हमारा सपना है 5 trillion इकोनॉमी तक छूने का, वो तभी हासिल हो सकता है जब कृषि एक लाभकारी व्यवसाय बन जाएगा। बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की तरफ। डिस्पाइट हैविंग ऑलमोस्ट द सेम मैंडेट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन टू कंडक्ट एंड सुपरिटेंड इलेक्शंस,
सो इलेक्शंस को कंडक्ट कराने में, सुपरिटेंड करने में एक ही तरह के शक्ति और एक ही तरह के मैंडेट होने के बावजूद जो केंद्रीय चुनाव आयोग है वो तो अपना काम बखूबी कर रही है, लेकिन जो राज्य के चुनाव आयोग हैं वो कहीं ना कहीं अपनी विफलता को बार बार दर्शा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसे अच्छी तरह से निभा नहीं रहे, लेकिन राज्य चुनाव आयोग की भूमिका जो है वो अप टू द मार्क नहीं है, इट इज़ नॉट हिटिंग अप टू द मार्क। तो इसका कारण क्या है वो देखेंगे। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो राज्य चुनाव आयोग है वो कॉन्स्टिट्यूशन सेम सेंट्रल इलेक्शन की तरह ही उसे शक्ति देता है सुपरिटेंडेंस कंट्रोल एंड डायरेक्शन का। उसमें स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं यानी कि राज्य चुनाव आयोग और अन्य व्यक्तियों अन्य अधिकारी, और उनकी ड्यूटी होती है सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल सेम उसी प्रकार जिस प्रकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होती है। और ये इलेक्शन कहाँ कहाँ के करवाते हैं तो पंचायत और म्यूनसिपालिटी की। इसके पास इलेक्टोरल रोल्स, राज्यों के इलेक्टोरल रोल्स बनाने, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट बनाने की भी ड्यूटी होती है, जिसको हम आर्टिकल 243 के से लेकर आर्टिकल 243 ZA तक के बीच में लिखा गया है, आप उसे समझ सकते हैं। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है वो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और यहीं पर हो जाता है खेल, क्योंकि गवर्नर साहब को अपॉइंट करने के लिए कोई विशेष अधिकार नहीं मिला है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स हो उनके एड एंड एडवाइस पर ही काम करते हैं। तो यह एक राजनीतिक नियुक्ति भी हो सकती है। स्टेट इलेक्शन कमीशन को या इलेक्शन कमिश्नर को उसके ऑफिस से तब तक नहीं हटा सकता जब तक कि कोई विशेष ग्राउंड एरर, और हाई कोर्ट के जज के हटाने की प्रक्रिया के समान ही उसकी हटाने की प्रक्रिया होती है, लेकिन उसके चयन की प्रक्रिया जो है वो विशेष रूप से नहीं बताई गई, यानी कि और किन किन क्राइटेरिया पर, किन किन मानदंडों पर किसी व्यक्ति को राज्य का चुनाव आयोग का प्रमुख बनाया जाएगा या चुनाव अधिकारी या स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाएगा वो निर्धारित नहीं है। दूसरा कि उसके फिर से री इलेक्शन या री सबमिशन हो सकता है, इसके बारे में भी कोई स्पष्टता नहीं दी गई है। और टेन्योर जो है वो एज पर द लॉ, यानी कि राज्य सरकार जो बनाएंगे उसी हिसाब से उसकी समय सीमा और कार्य क्षेत्र निर्धारित होते हैं। और यहीं पर होता है कि राज्य सरकारों के दबाव में देखा गया अक्सर जो केंद्रीय और जो राज्य चुनाव आयोग हैं वो अपनी पारदर्शिता और स्वतंत्रता को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। अब इसके लिए चुनौतियां क्या क्या हैं, तो चुनौतियां होंगी नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फिक्स स्टाफ एंड कार्डर, क्योंकि राज्य चुनाव आयोग के पास कोई फिक्स स्टाफ होता नहीं, कोई कार्डर नहीं होता, इसकी वजह से उनको डेपुटेशन में ऑफिसर लेने होते हैं। वो सारे ऑफिसर कहीं ना कहीं किसी राज्य सरकार के लिए ही काम करते हैं, तो एक नेचुरल अलायंस होता है कि करंट रनिंग सरकार और उसके अफसर जो उसके अगेंस्ट में काम नहीं करेंगे, जो कि इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को कहीं ना कहीं उसकी पारदर्शिता और उसकी स्वतंत्रता से चुनाव कराने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। फंड की क्लैरिटी नहीं होती है, ऑटोनॉमी की क्लैरिटी नहीं होती है, गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर करती है, और उसका टेन्योर जो होता है वो अनिश्चित होता है। इसी वजह से ये उनके चैलेंजेस हैं, और जब चैलेंजेस हैं तो उसके सॉल्यूशन भी हैं। सॉल्यूशन क्या है कि बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द सेकंड एआरसी, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग जो एके एंटनी की अध्यक्षता में लाया गया था, और 255वां लॉ कमीशन की रिपोर्ट को अगर मानेंगे और उसको ठीक से इम्प्लीमेंट करेंगे तो चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को गवर्नर और कॉलेजियम ऑफ चीफ यानी कि गवर्नर नियुक्त करे, लेकिन नाम पर सिलेक्शन जो हो एक कॉलेजियम बने जिसमें चीफ मिनिस्टर हो, एमएलए जो राज्य जो विधानसभा होती है विधानसभा के अध्यक्ष हो, विधान परिषद के अध्यक्ष हो, और दोनों ही सदनों के लीडर ऑफ अपोजिशन भी हो, और इस तरह से एक निष्पक्ष व्यक्ति का चुनाव हो ताकि उसकी निष्पक्षता बनी रहे। स्पीकर ऑफ द स्टेट एंड और लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म शुड बी क्रिएट, यानी कि भारत में चुनाव आयोग और SIC समन्वय एक दूसरे से अनुभव सीखने की ज़रूरत है, यानी कि इलेक्शन कमीशन से हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, और स्टेट इलेक्शन कमीशन को SEC यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन को भारतीय चुनाव आयोग से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, उससे एक्सपीरियंस लेने की ज़रूरत है। तो ये किया जा सकता है कि डेपुटेशन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स को स्टेट इलेक्शन कमीशन में ट्रेनिंग के लिए बुलाया जा सकता है। टू प्रोवाइड अ सेपरेट इंडिपेंडेंट एंड यानी कि संविधान के अनुच्छेद
98 के तहत लोकसभा और राज्यसभा में सचिवालय के तर्ज पर चुनाव आयोग के लिए भी अलग स्वतंत्र सचिवालय की प्रदान करना है, तो उसी तरह से ठीक ठीक राज्य चुनाव आयोग को के लिए भी एक अलग सचिवालय प्रदान करना चाहिए, चाहे जिस तरह से सेक्रेटेरिएट को करते हैं उस तरह से। सुप्रीम कोर्ट जो किशन पाल सिंह गुर्जर तोमर का जो केस है और अहमदाबाद वर्सेस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ अहमदाबाद और किशन पाल सिंह तोमर के केस में जो जजमेंट दिया है उसको पालन करना ज़रूरी है। उसके आधार पर जो है जो राज्य चुनाव आयोगों को विशेष शक्ति दी जानी चाहिए। द स्टेट गवर्नमेंट शुड अवॉइड बाय द ऑर्डर्स ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन। राज्य सरकार यानी कि राज्य चुनाव आयोग को सीरियसली लेते हुए राज्य सरकारों को उसका नियम अक्षरशः पालन करना चाहिए, बोथ इन लेटर एंड स्पिरिट, जिससे कि राज्य चुनाव आयोग स्टेट इलेक्शन कमीशन की प्रमाणिकता बढ़ेगी, मानदंडता बढ़ेगी और उसकी एक्सेप्टेंस को बढ़ाया जा सकता है, जिस तरह से वह पंचायतों और म्यूनसिपालिटियों में चुनाव करवा सकता है और जिस तरह की निष्पक्षता और पारदर्शिता राज्य चुनाव आयोग यानी केंद्रीय चुनाव आयोग के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है, उसी तरह से राज्य चुनाव आयोग भी पारदर्शिता और निष्पक्षता को हासिल कर पाएंगे। चौथा प्रश्न देखते हैं, रिसेंटली वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हैज बीन रिलीज्ड। तो हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया है और इसमें भारत की स्थिति पर हमें विशेष विश्लेषण करना है। तो बताएंगे पहले कि जो है विशेष जो है वर्ल्ड प्रेस सूचना जो स्वतंत्रता वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है क्या चीज़। तो भारत में इसको 142वां स्थान यानी कि 180 देशों में से 2021 में भारत को 142वां स्थान मिला है। यह पब्लिश कौन करता है, तो ये एक संगठन, इसका नाम है रिपोर्टर्स सांस फ्रंटियर्स, जो कि फ्रेंच नाम है, जिसको हम कहते हैं रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, यानी कि विश्व भर के रिपोर्टर्स का एक संगठन जो बॉर्डर्स को नहीं मानता, यानी कि एक इंटरनेशनल रिपोर्टर कम्युनिटी और जो कि इंटरनेशनल जर्नलिज्म और नॉट फॉर प्रॉफिट यानी कि गैर लाभकारी संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, वो इसको पब्लिश करती है, जो कि एक स्वतंत्र एनजीओ है और यूनाइटेड नेशंस हो या फिर यूनेस्को हो उसके साथ ये परामर्श कर कर काम करती है। इसके बारे में एक चीज़ बहुत आसानी से और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है समझना कि यह किसी प्रेस के गुणवत्ता, पत्रकारिता के गुणवत्ता का संकेतक नहीं है। यह केवल ये बताता है कि उस देश में, उस भूभाग में, उस क्षेत्र में जो पत्रकारिता है वो कितनी निष्पक्ष है, कितनी फ्री है, यानी कि राज्यों का कितना इंटरफेरेंस है और कितने आज़ादी से कुछ भी लिखा जा सकता है, सुना जा सकता है, उस पर चर्चा की जा सकती है, कितनी आज़ादी से उसकी आलोचना की जा सकती है, इसके बारे में बताता है, ना कि पत्रकारिता की गुणवत्ता। यानी कि अगर भारत को 142वां स्थान मिला है, इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत के पत्रकारिता की क्षमता बहुत नीचे है। यहाँ स्थान का मतलब यह है कि भारत की पत्रकारिता है उसमें राज्यों का हस्तक्षेप ज़्यादा है, वो उतनी आज़ाद नहीं है जितनी आज़ाद बाकी की पत्रकार जगत में है। ये हमेशा आप देखेंगे कि इस तरह के इंडेक्सेस में ह्यूमन राइट्स इंडेक्स हो या ह्यूमन डेवलपमेंट हो, रिलीजियस फ्रीडम हो, ये एक वेस्टर्न वर्ल्ड की एक प्रायोरिटी भी होती है कि भारत जैसे देशों को जो एशियन पावर्स है उनको कहीं ना कहीं वो बार बार जानकर ह्यूमिलिएट करते हैं, इतना पीछे देते हैं। भारत का जो प्रेस है वो इतना भी पीछे नहीं है। हालिया में कुछ केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून हो या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा NSA एक्ट का दुरुपयोग किया अवश्य जा रहा है, लेकिन भारत में इस तरह की परिस्थितियाँ नहीं हैं कि इतना पीछे भारत को 180 में से 142वां स्थान मिले। भारत का प्रेस मुख्य रूप से स्वतंत्र है, कुछ जगह कहीं एक दो आपको उदाहरण मिल सकते हैं कि बायस होने के, अन्यथा यह मुख्यतः प्रेस है और सरकार का इसमें बहुत कम इंटरफेरेंस है, जो जो चाहे वो लिख सकता है, वो छाप सकता है, डिस्कस कर सकता है। तो ये एक तरह का जो वेस्टर्न जो कल्चर उनका माइंडसेट है कि हमेशा इंडिया के बारे में जो ब्लैक कंसिस्टेंस लेकर ही चलते हैं और इसलिए इन चीज़ों को गलत इंडेक्स हमें दिया जाता है। इसके कुछ विशेष पैरामीटर्स जो ये ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि हम इंक्लूड करते हैं और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है प्लूरलिज्म, मीडिया की यानी प्रेस फ्रीडम, मीडिया पर्यावरण है कि जो किस तरह का एनवायरनमेंट है, लोग लिखने से पहले कुछ क्या सोचते हैं, डरते हैं क्या, उन कुछ लिखने पर उन पर आतंकवादी हमले हो सकते हैं या लोगों द्वारा हमले हो सकते हैं, इस तरह की चीज़ें। ट्रांसपेरेंसी, लीगल स्ट्रक्चर कैसा है, अगर कोई पत्रकार किसी कानूनी पेज में फंस जाए किसी लिखने के लिए तो उसको कितनी आसानी से बेल मिल सकती है, कितनी अच्छा जुडिशियल इम्प्यूनिटी है उसके पास, इस तरह की चीज़ों को देखते हैं। और इस रिपोर्ट में दो बातें सामने आई हैं, पहली कि जो क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, दूसरा एशिया पैसिफिक यानी कि एशिया पैसिफिक रीजन हो या इंडो पैसिफिक जिसे आप कहें नई भाषा में, प्रेस की स्वतंत्रता लगाने में
सबसे अव्वल नंबर पर रहा, यानी कि एशिया पैसिफिक रीजन में आप देखिए किस तरह से वेस्टर्न कंट्रीज जो हमेशा एशिया पैसिफिक को कहीं ना कहीं वो ह्यूमिलेट करना चाहती हैं, और वो कह रही हैं कि एशिया पैसिफिक का जो रीजन है उसमें बहुत ज़्यादा फ्रीडम पर, प्रेस की स्वतंत्रता पर उसने रोक लगा रखी है, और एक ड्रैकोनियन लॉ यानी कि सेडिशन हो गया, स्टेट सीक्रेट हो गया, नेशनल सिक्योरिटी, इस तरह के कानून जो है वो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में देखने मिल रहे हैं, जिस वजह से जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जर्नलिज्म, प्रेस फ्रीडम को बढ़ावा नहीं मिल रहा है। भारत की परफॉर्मेंस की एनालिसिस करते हैं तो 2020 में जितने पे थे 2021 में भी उतने पे थे, तो हम ना बढ़े हैं ना घटे हैं, लेकिन फिर भी 142वां स्थान बिल्कुल भी भारत जैसे एक बड़े विविध और लोकतांत्रिक देश में स्वीकार नहीं है। कहीं कहीं पे इसको जानबूझकर कम रखा गया है, लेकिन कुछ कुछ कारण वैसे भी हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि अलग अलग सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के नाम पर बहुत से पत्रकारों को जेल की हवा खिला रही हैं। तो इस तरह चीज़ों से हमें बचना है, और राष्ट्र की या राज्य की आलोचना करने का अर्थ ये नहीं कि कोई उसका विरोधी है, उससे उसको पॉजिटिव रूप में भी लेना चाहिए, और इन चीज़ों से काम करके ही हम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में आगे बढ़ सकेंगे। इंडिया हैज़ फेयर्ड पुअरली अमॉन्ग्स द नेबर्स, यानी कि भारत अपने पड़ोसियों को, नेपाल जो 106 पर है, श्रीलंका 127 पर है, भूटान 65 पर है, तो अपने पड़ोसियों में केवल पाकिस्तान से ऊपर है, बाकी वो बहुत नीचे हैं। द रिपोर्ट हैज़ द नेशनलिस्ट गवर्नमेंट, यानी कि रिपोर्ट ने ये कहा क्योंकि भारत में एक राष्ट्रवादी सरकार है, और जो भी जर्नलिस्ट राष्ट्रवाद और बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ लिख रहा है उसके खिलाफ जो है उसे एंटी नेशनल और एंटी स्टेट बता दिया जा रहा है। विश्व स्तर पर देखें तो नॉर्वे जो है फिर से एक बार टॉप किया है, और लगातार 5वें साल से नॉर्वे जो है वो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप करते आ रहा है, जिसके बाद फिनलैंड और डेनमार्क यानी कि जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ है उनका रैंक हमेशा हर इंडेक्स में आप देखेंगे ह्यूमन इंडेक्स में कहीं ना कहीं वो टॉप 5 में ही रहती हैं। एरिट्रिया जो है वो सबसे नीचे है, चीन को 170वां मिला है, और नॉर्थ कोरिया को 179, तुर्कमेनिस्ट को 178, इस तरह की जो है ग्लोबल रैंकिंग की गई है। इन पुअर परफॉर्मेंस के पीछे कारण क्या है? तो कारण ये बताया गया है कि पत्रकारों पर हर तरह की हिंसा के मामले आ रहे हैं, पुलिस द्वारा हिंसा आ रही है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स पर हिंसा आ रही है, पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा हिंसा आ रही है, उनके समर्थकों के द्वारा हिंसा हो रही है, तो जिस तरह से एक भय का माहौल बनाया जा रहा है जो कि इतना नहीं है जितना बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया, लेकिन कुछ हद तक अवश्य है जिसे हमें देखने की ज़रूरत है। एक सभ्य समाज में इस तरह की चीज़ें किसी भी तौर पर बर्दाश्त करने लोग नहीं हैं। आपराधिक समूह या भ्रष्ट स्थानीय अधिकारी भी उसको प्रेशर देते हैं, आम पॉलिटिकल पार्टी भी प्रेशर देती हैं, तो एक पत्रकार पर बहुत तरह का प्रेशर हो रहा है, बहुत तरह की फ्रीडम उसकी कंट्रोल की जा रही है, इस तरह से जो प्रेस फ्रीडम है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होते जा रहा है। जर्नलिस्ट हैव ऑफन बीन सब्जेक्टेड टू कोऑर्डिनेटेड हेट कैंपेन्स एंड सोशल मीडिया, आपको पता है कि अलग अलग ट्रोल्स उनको ट्रोलिंग करते हैं जब वो अपने नेता के खिलाफ लिखते हैं, तो इस तरह के मानसिक टॉर्चर से भी वो गुजर रहे हैं जो उनकी फ्रीडम को आगे चलकर इम्पैक्ट करता है। ये था आज का वीडियो, आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।